गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ में सब्जेक्ट संस्कृत में आज हम ग्रामर का पाठ करेंगे, जिसमें आज हम काउंटिंग करेंगे। हमने लेसन 3 पढ़ लिए हैं, आज काउंटिंग करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एकम, वैसे एक भी होता है, द्वे त्रीणी, चार को चतवारी, पाँच पंच, छः षठ, सात सप्त, आठ अष्ट और नौ नव, दस को कहेंगे दस, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, 20 विंशति, 21 एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति, 29 नवविंशति और 30 त्रिंशत। अब जैसे 20 को हमने विंशति बोला तो उसके आगे हमने एक दो त्रो चतुर पंच ये लगा दिया, ऐसे ही आगे चलेगा। जैसे 63 को 30 को त्रिंशत बोलते हैं, तो 31 को एक त्रिंशत, 32 द्वा त्रिंशत, 33 त्रेस त्रिंशत और 34 चतुष त्रिंशत, 35 पंच त्रिंशत, 36 को क्या बोलेंगे, षट त्रिंशत। अब आगे आते हैं 37, 37 को सप्त त्रिंशत, 38 अष्टा त्रिंशत, 39 नव त्रिंशत और 40 को चतुर्विंशत। अब ऐसे ही चतुर्विंश के आगे हम एक द्वि त्रय ये लगा देंगे, तो 41 एक चतुर्विंशत, 42 द्वि चतुर्विंशत, 43 त्रि चतुर्विंशत, 44 चतुष चतुर्विंशत, 45 पंच चतुर्विंशत, 46 षठ चतुर्विंशत, 47 सप्त चतुर्विंशत, 48 अष्ट चतुर्विंशत, 49 नव चतुर्विंशत और 50 को क्या कहेंगे, पंचाशत। वैसे तो 1 से 25 आपकी फर्स्ट टर्म में थी और 26 से 50 तक सेकंड टर्म में, लेकिन मैंने फिर से आपको 1 से ही काउंटिंग करवा दी है 1 से 50 तक। आप जब बार बार याद करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न रहेगा। तो 1 से 50 तक आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना और फिर इसको याद कर लेना। 20 तक तो हमने वैसे याद करनी है, 20 के बाद हमने जैसे विंशति के बाद एक दो ये त्रय ये लगा दिया, इसी प्रकार त्रिंशत के साथ लगा दिया और इसी प्रकार हमने चतुर्विंशत के साथ लगा दिया और 50 को बोलेंगे पंचाशत। आगे की काउंटिंग आप 6th क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।